बॉन्डिंग जो है आज कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम माय साइड, ठीक है? तो दिस इज योर लास्ट लेक्चर फॉर केमिकल बॉन्डिंग, एंड टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम नीट फ्रिक्वेंटली फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है? तो इस वाले टॉपिक से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली. आपको मैं दिखाऊंगी नीट के PYQs, आप खुद देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से पूछे गए हैं, ठीक है? तो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमें ना बहुत ही स्मार्टली इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रही हूँ और आप लोग 1 मिनट लगा दे रहे हो सोल्व करने में. नहीं, ऐसा नहीं करना. आपको विद इन 10 to 15 सेकेंड्स क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है? तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू सोल्व क्वेश्चन विद इन सम सेकेंड्स, ठीक है? तो ये भी हमें देखना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें फिर. यस लेट गेट यस मैम, स्टार्टिंग. ओके बच्चों, ठीक है? तो आर लेक्चर, दिस इज आर लेक्चर 5th, ठीक है? बेस्ड ऑन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, एंड टॉपिक इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? उसके बाद बच्चों आज हमें क्या करना है, ये टॉपिक अच्छे से करना है, एंड आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी एबल टू सोल्व PYQs ऑन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. जब मैं आपको ये टॉपिक करा दूंगी, ठीक है? तो हमें क्या करना है, कोशिश करना है जो भी नीट में PYQs आए हुए या कोई और PYQs जो कि मतलब और क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है, हम वो कर पाए, ठीक है? और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे मैं होमवर्क में दूंगी, ठीक है? उसके अलावा आपको अपनी NCERT जरूर फॉलो करनी है. फॉर नीट NCERT इज मस्ट, ठीक है? अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चों, तो NCERT को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, क्लियर है? तो NCERT तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड थ्योरिटिकल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 7 to 10 years फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है? तो बच्चे फर्स्ट प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? आगे जाने से पहले आपको पता ही है मैं क्वेश्चन आप लोगों से करवाती हूँ, तो आप लोग प्लीज ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए. विच हैज लीनियर शेप बट नॉट SP हाइब्रिडाइजेशन. ट्राई टू सोल्व बेटा. विच हैज लीनियर शेप बट नॉट SP, द स्पीसीज विच हैज लीनियर शेप बट नॉट SP हाइब्रिडाइजेशन. ट्राई टू सोल्व बच्चों. हर्षदा, शिखा, ओम, गायत्री हैज ज्वाइंड. ओके, शिखा इज सेइंग मैम फोर्थ ऑप्शन. ओके, बाकी बाकी बच्चे क्या कहते हो? फर्स्ट फर्स्ट वन. वन अच्छा, मैम ऑप्शन फर्स्ट. ऑप्शन फर्स्ट. यस मैम ऑप्शन. एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन सेकंड? ऑप्शन I3 नेगेटिव हैज नॉट अ लीनियर शेप, बताओ. मिस इट इज आल्सो लीनियर शेप. या I3 नेगेटिव इज आल्सो अ लीनियर शेप, ठीक है? बट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. हाँ, बट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I3 नेगेटिव इज SP3D, ठीक है? तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 4 बच्चों, है ना? याद करो. डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन नंबर? देखो, इन केस ऑफ XeF2, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इज ज़ीनोन, ठीक है? तो 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2, तो 8 प्लस 2 10/2 बच्चों 5, SP3D हो जाएगा, है ना? एंड इसका मतलब क्या हुआ कि दो बोन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे. बताओ, इन XeF2 देयर इज 2 बोन पेयर एंड 3 लोन पेयर, बताओ, ठीक है? यस तो मैम. इट मींस शेप ऑफ XeF2 लाइक दिस. देखिए बच्चों, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट शेप. शेप इज लीनियर. शेप इज लीनियर, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट I3 नेगेटिव? ये तो मैंने तुम्हें रिवीजन सेशन में भी कराया था. I3 नेगेटिव को ऐसा लिखो, II नेगेटिव, ठीक है? यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है? हाफ ऑफ 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम 2 प्लस 1, वाई 1 बिकॉज -1 चार्ज ओवर देयर,
ठीक है, तो 7 + 3 10/2 कितना हो गया 5, तो इसका भी वही सेम आएगा, इसका भी सेम आपका लीनियर शेप ही रहेगा। देखो इधर, देखो बच्चों, लाइक दिस, ठीक है, 2 bone pair 3 lone pair, यानी कि शेप इज लीनियर, शेप इज लीनियर। बट ज्योमेट्रीज बताओ, ज्योमेट्रीज हर्षदा, डायगोनल बाय पिरामिडल। हाँ वेरी गुड शिखा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इट मीन ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, राइट, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 हैज लीनियर शेप बट नॉट एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डू दिस क्वेश्चन बच्चों। चूज द कंपाउंड विच हैव मैक्सिमम बोन एंगल एट नाइट्रोजन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आपको ये बताना है किसका मैक्सिमम बोन एंगल होगा। 15 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, ओके ओके, 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। गायत्री आर यू देयर, हाँ ओके बेटा। जेनिफर, वनीषा, भीमेश, हो ना तो सर, ठीक है, ओके ओके। मंतशाई सिंह मैम, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन, ओके, तो थर्ड ऑप्शन को लॉक कर दें क्या? किसी का और आया है थर्ड ऑप्शन? गायत्री, डू यू वांट टू से समथिंग? चूज अ कंपाउंड व्हिच हैज बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन अमंग द फॉलोइंग, व्हिच वन इज करेक्ट गायत्री अकॉर्डिंग टू यू? यस, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन गायत्री, देविशा, फर्स्ट वन ओके, फर्स्ट वन बच्चों, फर्स्ट, मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन थ्री, यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट बच्चों। NO2 इज नॉट करेक्ट, NO2+ एज 180 डिग्री, ना 180 डिग्री एंगल होता है इसका, ठीक है, NO2 का नहीं होता है। NO2 का आप निकाल भी नहीं सकते हाइब्रिडाइजेशन से, NO2 का ये रहता है शेप, मैं बता देती हूँ आपको, लाइक दिस, ठीक है। तो NO2+ जो होगा लीनियर होगा, मैक्सिमम बोन एंगल होगा अमंग 4 डीज, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों 3। ध्यान रखना, ये मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, रिवीजन क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं की थी क्या? लास्ट वीक में मैंने PYQ जो सेशन लिए थे वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, तो बच्चे ये SP होते हैं, NO3 नेगेटिव का एंगल 120 होता है बिकॉज इट इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, चले आगे मूव करें, ओके ठीक है। तो नाउ फोकस ऑन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों व्हाई वी स्टडी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाई वी स्टडी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी? वी हैव डिस्कस VBT, वी हैव डिस्कस VSEPR स्टडी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चे व्हाई वी स्टडी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बिकॉज डू यू रिमेम्बर वैलेंस बोंड थ्योरी कांट एक्सप्लेन एनी मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ स्पीसीज। मैग्नेटिक बिहेवियर से मेरा क्या मतलब है? वेदर द स्पीसीज इज पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक, VBT कुडंट एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोन स्ट्रेंथ, है ना, बोन ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डू यू रिमेम्बर, हैव यू हर्ड दिस टर्म, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? ओके, यस रेहाना, क्या हुआ बेटा? अच्छा PCB में नहीं, आज बायो की क्लास नहीं होगी बेटा, आज बायो की क्लास नहीं होगी, शिवानी मैम ने ना आप लोगों के साथ शेयर की होगी एक PDF, वो आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए उसको प्रिपेयर कीजिए, ठीक है रेहाना, ठीक है, ओके ठीक है। तो पैरा मैग्नेटिक इस बच्चों मैं बता देती हूँ, पैरा बिलोंग्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द या एमओजी। वेरी गुड, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ठीक है, डाया मैग्नेटिक। बच्चों पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन से होते हैं? हैविंग
हैविंग एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, हैविंग एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड डायमैग्नेटिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग जीरो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज योर डायमैग्नेटिक स्पीसीज, और पैरामैग्नेटिक हैविंग एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट बिलोंग्स टू पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैम व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, प्लीज टेल अस की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों कैन यू सी दिस पिक्चर, देखना है एक बार, लेट अस कंसिडर दिस इज वन एस ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम एंड दिस इज अनदर वन एस ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम, है ना, दिस इज योर हाफ फिल्ड एटोमिक ऑर्बिटल, राइट। ओके, डू यू रिमेम्बर इन वैलेंस बोंड थ्योरी आई टोल्ड यू वन एस ऑर्बिटल बोथ एटोमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, है ना, अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने के बाद दे विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, आई टोल्ड यू इन वीबीटी वाली क्लास में, ठीक है। तो दिस इज योर वैलेंस बोंड अप्रोच, दिस इज योर वैलेंस बोंड अप्रोच, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीबीटी वाले क्लास में, ठीक है। मैम मॉलिकुलर ऑर्बिटल में क्या है, बच्चे ध्यान से सुनना, जब वैलेंस बोंड थ्योरी आप पढ़ते हो, वेन द टू एटोमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप ईच अदर, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बोंड, बट नो न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनती है, देखो देखो ये आपस में ओवरलैप हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, लेकिन कोई न्यू ऑर्बिटल नहीं बन रही है, ये अनुष्का, यू वांट टू से समथिंग बेटा अनुष्का, आज का लेक्चर नहीं होगा बेटा, है ना रेहाना, रेहाना आप डीसीपी हिंदी में हो ना, डीसीपी हिंदी वाले बैच में हो ना, आप लीव कर गई रेहाना, ठीक है। ओके बेटा, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच ईच अदर, ठीक है, दे विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बट इन दिस केस टू न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें क्या है, टू नहीं, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उतनी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं देन न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, कैन यू सी दैट, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैन यू सी दैट बच्चे, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अरेंज टू देमसेल्व्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कैन यू सी दैट, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैम वीबीटी में कोई नई ऑर्बिटल नहीं फॉर्म हो रही थी, वाइल इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी न्यू ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगी। अब मैम वो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन सी होंगी बच्चे, दो तरह की वो होंगी, कौन कौन सी, बीएमओ एबीएमओ, अपनी नोटबुक में लिखते जाओ बीएमओ और एबीएमओ। मैम व्हाट इज बीएमओ एंड एबीएमओ, BMO is your bonding molecular orbital, ABMO is anti-bonding molecular orbital, ठीक है, BMO क्या है, bonding molecular orbital, ABMO is anti-bonding molecular orbital, BMO is considered to be lower in energy, ठीक है, इनकी energy क्या होती है, कम होती है, and anti-bonding molecular orbital की energy क्या होती है, ज्यादा होती है, लिखिए इन दो points को अपनी notebook में लिखो, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इन एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हैव हायर एनर्जी, लिखिए इसको, ठीक है। अच्छा अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने ये सीखा मैम हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा रहे हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, फिर क्या करना मैम, व्हाट विल हैपन व्हेन द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, देन यू विल have to fill the electrons in this molecular orbitals like you used to do in atomic orbitals, yaad hai, jaise maan lo suppose you have Na, idhar dekh lo ek bar, you have Na, iski electronic configuration kaise likhte the bachcho, 1s2 2s2 2p6 aise likhte the na, yahi likhte the, ab isme kya hoga molecular orbitals mein kya hoga, molecular orbitals mein aapko dikhenge sigma pi del, these are bonding molecular orbitals,
दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. यानी कि नाउ यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यानी कि अब तुम्हें किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एसपीडी में नहीं करने, अब तुम्हें फिल करने हैं सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है. ठीक है, जैसे कि तुम कहां करते थे विबिटी वाले केस में, आप अभी तक जो पढ़ते आए हो. ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई बच्चों, बताइए. यस मैम. ठीक है, नाउ वी हैव साइलेंट फीचर्स ऑफ एमओटी. अब देखो जो मैंने ये चीजें बोली है, दीज आर सम पॉइंट्स. ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यू कैन रेफर दीज क्लास नोट्स. ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट इज इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, आपकी न्यू ऑर्बिटल्स बन रही है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, नई वाली ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे. फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री. याद करो वीएससी जब मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रही थी, वहां पे मैंने क्या बोला था याद करो, कि मैम आपने बताया था कि 2s 2p की एनर्जी जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो इनका ओवरलैपिंग हो जाएगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. बट इफ आई से कि मैम 2s और 5p का ओवरलैप होगा क्या, तो आंसर इज नो. ठीक है, क्योंकि दे हैव नॉट नियरली सेम एनर्जीज. ठीक है, हमें वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेनी है जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होगी. रेहाना आपका क्या क्वेश्चन था बेटा, आज क्लास नहीं होगी ना उसकी डीप सीपी हिंदी वाली बैच में. ठीक है, इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड सिर्फ उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप कंबाइन करोगे which has nearly same energy or you can also say comparable energy and proper symmetry. ऐसा नहीं है आप px और py को करा रहे हो, मान लो you have 2px and 2py and you want to overlap these atomic orbitals. ठीक है, तो ये क्या है, इनके पास proper symmetry नहीं है. If you want to overlap 2px or 2px, you can do that. Clear होगी ये बात? This yes, is second point. Yes, ma'am. अच्छा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर एटम बट बिलोंग टू न्यूक्लाई ऑफ ऑल एटम कंस्टिट्यूएंट द मॉलिक्यूल. इट मींस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी हैव टू डिस्कस आपके होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. मतलब इसका मतलब क्या है, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किसके बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, एक एटम के बारे में नहीं पढ़ना है. हमें ऑक्सीजन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें O2 के बारे में पढ़ना है, हमें नाइट्रोजन के बारे में नहीं पढ़ना, हमें N2 के बारे में पढ़ना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर एटम बट बिलोंग्स टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम, जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट. ठीक है, तो वी हैव टू डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बोलिए, बोलो बच्चों, बढ़िया, चलिए. ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग कॉम्बिनेशन. इट मींस जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, उतने ही क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना. जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या करा था, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, इसमें भी सेम है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, अच्छा, ये तो मैम आपने बता दिया. हाफ ऑफ द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव एनर्जी लोअर देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल. मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एंड फॉर एंटी बॉन्डिंग एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है. क्लियर हो गए ये वाले पॉइंट्स, देखो बच्चे, देखो. ठीक है, चल ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है. फिफ्थ पॉइंट इज, हाँ नहीं फिफ्थ नहीं है बच्चे, सिक्स्थ वाला पॉइंट है. ठीक है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. शेप क्या होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, डिपेंड करता है कि आप कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे हो, कंबाइन करा रहे हो. ठीक है, ओके,
6 पॉइंट बच्चे देखो 6 7 पॉइंट याद करो, जब आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते थे तो मैं भी तुम्हें ये बोलते थे एंड तुम्हारे टीचर्स भी ये बोलते थे, व्हेन यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन 1s 2s 2p, ठीक है, यू हैव टू कंसिडर दीज थ्री रूल्स, है ना, ऑफबोर रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन sp(d). डू यू रिमेम्बर दिस? ऑफबोर प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफबोर प्रिंसिपल कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑफ order of their energy. First, you have to fill lower energy orbital. ठीक है? Once lower energy orbital has filled, then you have to fill higher energy orbitals. Clear है? पहले आपको lower energy वाले orbital भरने हैं, then आपको higher energy वाले orbital fill करने हैं. Second one is Pauli's exclusion principle. क्या कहता है ये? ये कहता है कि ए ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन लाइक दिस, दिस इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. याद आ रही है चीजें? यू हैव स्टडीड इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? यस मैम. एंड हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल ये कहता है व्हाइल फिलिंग द डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मैम डीजनरेट ऑर्बिटल्स ये क्या होता है? देखो पी हैज थ्री ऑर्बिटल, px, py, pz. So these are degenerate orbitals. ठीक है? D has 5d orbitals. 5 orbitals ना, 1, 2, 3, 4, 5. These 5 are degenerate orbitals. Degenerate means orbitals having equal energy. लिख दो सारे. Degenerate orbitals क्या होते हैं? The orbitals having equal energy. ठीक है? Okay. तो Hund's rule क्या कहता है? In case of you can also say while filling the degenerate molecular orbitals, pairing of electron does not take place until all such orbital are singly occupied. सबसे पहले आपको क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिटल में फिल करना है. ये नहीं कि आप ऐसे फिल कर रहे हो. This should not be happened. ठीक है? First you have to fill single electron in each orbital. ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या कराना है? पेयरिंग करवानी है. क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस मैम. यानी कि सिंपल सी बात है कि व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? एंटी बॉन्डिंग वाले और बॉन्डिंग वाले भी. ठीक है? आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक कंसिडर दीज थ्री रूल्स, ऑफ बोर रूल, पॉलीज रूल, पॉलीज प्रिंसिपल एंड हुंस रूल. ठीक है? व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड. देखिए बच्चों, देखिए बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये चीजें याद आ रही होंगी, है ना? ये आपको क्या करना है? ये एनर्जी डायग्राम बने हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. ठीक है? इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में जो है ये डायग्राम बनाया हुआ. मैम ये क्या, ये हमें करने हैं क्या? यस आपको करने हैं. तो बच्चे ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये किसके लिए है? व्हेन इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14, देन यू हैव टू फॉलो दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. इफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, then you have to follow this molecular orbital diagram. ठीक है? क्या है एक बार देखो, फिर मैं आपको लिखवाना भी, बार बार लिखवा के मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. देखिए बच्चों, सिग्मा 1s याद करो. चलो पहले ये याद करो, ये हम करते थे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, है ना, 4s, 3d, इन केस ऑफ एटम्स. याद करो, यही लिखते थे हम लोग, यही लिखते हो. While in case of molecules, अब हमें नई molecular orbital मिलेंगी. जैसे for 1s, we have two molecular orbital, like sigma 1s, sigma star 1s. For 2s, we have two molecular orbitals, sigma 2s, sigma star 2s. ठीक है? Sigma वाली क्या है? Bonding. Sigma star वाली क्या होती है? Anti-bonding. जहां पे भी star लगा आता है, that belongs to anti-bonding orbital. ठीक है? बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट ना बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. ठीक है? तो स्टार वाली क्या इंडिकेट करती है? एंटी बॉन्डिंग. एंड विदाउट स्टार वाली क्या इंडिकेट करती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके देखिए, दिस इज सिग्मा एस, सिग्मा स्टार 1s.
ठीक है, अगर बॉन्डिंग है तो उसके साथ उसका एंटी बॉन्डिंग जरूर प्रेजेंट होगा. सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, बोथ आर हैविंग सेम एनर्जी, बोथ आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स बच्चा, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, दिस इज योर सिग्मा 2pz, यानी कि 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना. पी की कितनी होती है बच्चों, 3 ऑर्बिटल होती है ना. इनका मतलब क्या है, दीज टू ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड दिस वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज पी एक्स एंड पी वाई का क्या होता है, साइडवेज ओवरलैप होता है ना, ठीक है. एंड दिस वन इज पाई स्टार एक्स, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, 1 मिनट जेनिफर, एंड दिस इज योर सिग्मा स्टार 2pz, यस जेनिफर, कुछ कहना है बेटा? ओके, ठीक है. तो यानी कि जब हम वीबीटी में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे सिग्मा बन रहे हैं और पाई बन रहे हैं ना, सिग्मा और पाई बनते हैं, ठीक है. तो पाई बॉन्ड कैसे बनता था, बाय साइडवेज और लैपिंग से बनता था, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था, हेड ऑन ओवर लैपिंग से बनता था, ठीक है. और ये आपका रहेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, लाइक ओ टू, एफ टू, और इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 में कौन आ जाता है, N2, B2, C2, है ना, ये सारे, ठीक है. अब एक चीज तुमने नोटिस की, एक चीज तुमने नोटिस की, क्या मैम, क्या नोटिस करना है, ये देखो, इधर देखो बच्चों, ये वाला तो सारा सेम है, देखो एक्सचेंज ऑफ ऑर्बिटल्स इन 2pz एंड सिग्मा, वेरी गुड, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2px, ये सेम है, ठीक है. व्हाइल इन केस ऑफ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, देन देखो सिग्मा 2pz जो है पहले आ जाता है, ठीक है, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार ऊपर वाला सेम रहता है. अब मैम यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें तो याद करना है. अब याद करने के लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, तो इसको कैसे याद कर सकते हो बच्चे, आपने ये पढ़ा होगा, एक सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, ठीक है, दिस वन इज सीधा वाला ट्राइंगल, ये उल्टा वाला ट्राइंगल, ठीक है. इसको कैसे करोगे देखना एक बार, ये देखो ऐसे कर लो इसको, देखो बच्चों इधर देखो, ये वन क्या है, ये इसको समझना, ये आपका क्या है, सिग्मा 2pz एंड दिस इज सॉरी सिग्मा स्टार 2pz एंड दिस इज पाई 2px, पाई 2py, ठीक है. ये वाला देखो, ये क्या हो जाएगा, देखो पाई 2px, पाई 2py और नीचे वाला सिग्मा 2pz. कैन यू सी दैट, इसको ऐसे लर्न करो और इसको ऐसा करो, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इसको इस तरीके से लर्न करो, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, बिकॉज यू हैव टू लर्न इफ यू वॉन्ट टू सोल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्लियर, क्लियर. एक काम करते हैं, मैं दोबारा लिखवाती हूँ सो दैट आपको याद हो जाए, ठीक है. चलिए लिखिए सारे मेरे साथ साथ, आइए. फर्स्ट आई विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14, क्या होगा बच्चों, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, वेरी गुड, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, वेरी गुड, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, वेरी गुड, इन लास्ट सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ओके, ठीक है. चलो क्वेश्चन करके देखे, एग्जाम्पल बताते तुम्हें, ठीक है. लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल H2, ठीक है. H2 हैज 2 इलेक्ट्रॉन, आप क्या पढ़ते थे उसमें, सिंपल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना हो तो आप क्या करते थे, 1s2, अब क्या करोगे, सिग्मा 1s2 बेटा, है ना, सिग्मा 1s2 फिल करोगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, इन सिग्मा 1s ऑर्बिटल. बच्चे यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यू कैन फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2, क्या करूंगी मैं, फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ NB माइनस NA. मैम NB क्या होता है, NB इज
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड एन ए इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, वेरी गुड एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ओके. टेल मी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू, एंड इन एंटीबॉन्डिंग जीरो, टू बाई टू इज वन, यानी कि वन इज द बोन ऑर्डर फॉर एच टू. बोन ऑर्डर क्या होता है, सिंपल हम पढ़ते हैं ना, बोन बिटवीन टू एटम्स, यही तो पढ़ते हैं हम, ठीक है. अच्छा टेक एन अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ये देखिए एच टू प्लस, एच टू प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एच टू प्लस बच्चों, वन, वन इट्स वन, ठीक है. तो इट मीन सिग्मा वन एस वन, यानी कि एक और यहाँ फिल हो जाएगा. अब आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द बोन ऑर्डर, तो क्या करूं, हाफ ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक मिनट रुको, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन एच टू प्लस, इट मीन्स इट विल फील लाइक दिस, यानी कि सिग्मा वन एस. तो बॉन्डिंग में कितने हैं, वन माइनस जीरो वन बाई टू, 0.5, इट कम्स आउट टू बी 0.5, ठीक है. थर्ड ले लेते हैं, H2 नेगेटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन H2 नेगेटिव बच्चों, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिग्मा 1s2, because 1s s orbital contain two electrons, ठीक है, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s1, 1s1, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी, बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग यानी कि टू माइनस एंटीबॉन्डिंग में कितने हैं, वन, यानी कि वन बाई टू इज 0.5, ठीक है, निकाल सकते हो, ठीक है ओके. अच्छा ये बताओ, कैन यू टेल मी विच वन इज पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक, कैन यू टेल मी एच टू इज अ डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, वाई डाया मैग्नेटिक, because there is no unpaired electron, इसमें एक भी unpaired electron नहीं है, that is why H2 is diamagnetic species, ठीक है बच्चों, and yes, what about H2 plus? It's paramagnetic. Yeah, it's paramagnetic because it has one unpaired electron, paramagnetic. बहुत ही interesting topic है, अभी आप सारा पढ़ लो, then उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, सो दैट आप विद इन 10-15 सेकंड सारे क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, यू आर एबल टू सॉल्व, ठीक है ओके. एंड एच टू नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर, यानी कि विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यू कैन इजिली डिटरमाइन वेदर द स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है, यानी कि यू कैन फाइंड आउट द बोन ऑर्डर ऑफ स्पीसीज, यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द स्पीसीज, और यू कैन ऑल्सो टेल द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेल द बच्चा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मैम हाउ, इफ लिखो, राइट इट इन नोटबुक बच्चे, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, इफ number of electron in bonding molecular orbital is greater than antibonding, it means molecule is stable, molecule is stable because bonding molecular orbital has lower in energy, and we know very well energy is inversely proportional to stability, if energy is lower stability is maximum, theek hai, molecule is stable, if number of electron in bonding molecular orbital or antibonding is equal to kya hoga, molecule does not exist, molecule does not exist, ठीक है, अगर दोनों ही बराबर हो जाएंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ओके. एंड लास्ट, इफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर ग्रेटर देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल बच्चों, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, क्लियर हो गया, यानी कि विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अब हम, वी कैन इजिली डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वी कैन फाइंड आउट द बोन ऑर्डर, we can tell the magnetic behavior of species. तो ये तीनों चीजें हम बता सकते हैं using molecular orbital theory. ठीक है जी? Yes. और करें? चलो और question करते हैं. चलो. अब क्या करते हैं हम? चलो. यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं एक बार. For electron less than 14. ठीक है? और example करते हैं. लिखो. Practice हो जाएगी. Sigma 1s, sigma star 1s,
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py बच्चों, लिखो लिखो सारे बच्चे, मिशबा, रेहाना, नम्रता लिखो, ठीक है, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है बी2 का बॉन्ड ऑर्डर और सी2 का, ठीक है, यू हैव टू टेल मी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी2 एंड सी2, ऑल्सो टेल मी द मैग्नेटिक बिहेवियर फॉर बी2 एंड सी2, ठीक है, डू इट नाउ। फर्स्ट यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड देन टेल मी द मैग्नेटिक बिहेवियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बी2 बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बी2? 5 और 10 इन बी2? 10 5 2 10, तो फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये ठीक किया है मैंने फिल, क्या मैंने सही फिल किया है? नो मैम, आपने गलत फिल किया। कोई मुझे बताएगा क्यों किया मैंने गलत फिल, क्या होना चाहिए? पाई 2px contains one electron and पाई 2py one. First, according to which rule? Answer. ठीक है, जब आप डीजनरेट और बाइटल फिल करते हैं तो मेक श्योर पहले आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओके, नाउ बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा? वन होगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 5 6 6 6 माइनस 4 4 1, वेरी गुड। इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड। चलिए अब C2 के लिए लीजिए, C2 हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हो जाएगा, करो। And its bond order is 2 and it is diamagnetic in nature. Okay, are you all agree with Harshita? She is saying that it's diamagnetic or yes, bond order is 2. ठीक है, यस, बोन ऑर्डर 2 आएगा इसमें एंड डायमैग्नेटिक, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, ठीक है, ओके। एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चे ये है, वैसे तो हम क्या करते हैं, अगर आपके दो बोन आते हैं, दो बोन अगर आप देखते हैं तो आप बोलते हो कि मैम एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, बट इन दिस केस बोथ आर पाई बोन्स, व्हाई बोथ आर पाई, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं वो किसमें हुए हैं बच्चों? पाई 2px एंड पाई 2py, दीज टू ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन है जो कि अभी मैं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। जो कार्बन कार्बन में जो ये दो डबल बॉन्ड है, ये क्या है? दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, ठीक है, ओके ओके। आप N2 के लिए निकाल सकते हो क्या? N2 N2 प्लस, N2 2 negative, N2 2 negative के लिए bond order निकाल सकते हो बेटा? Yes ma'am. निकालिए. Yes ma'am. निकालिए सारे बच्चे. N2 N2 plus, N2 negative, N2 2 negative. बच्चों I'll extend this class, ठीक है? For 15 to 20 minutes. So don't leave the class, ठीक है? We have to finish this chapter by today only. And for N2 bond order is 3 and it is diamagnetic in nature. Okay, अभी हर्षदा नहीं बोलेगी, है ना? बाकी बच्चे try करो. N2 is para or dia? Dia? Yes ma'am, diamagnetic. Okay, Mishba, N2 plus? N2 plus is dia or para? N2 plus is dia or para? Paramagnetic. Para. क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दो ना यहाँ से, ये लो, para. Para. And bond order is? Bond order is, अगर इसका 3 था
इसका 2.5 आ रहा होगा, आ रहा है क्या? टाइम लग रहा है निकालने में बच्चों? बताइए शिखा, किरण, देविशा, इमेश, जेनिफर, नम्रता, गायत्री, टेल मी, एन टू नेगेटिव इज पैरा और डाया? पैरा. एंड एन टू टू नेगेटिव इज डाया. पक्का? इट इज ऑल्सो पैरा बच्चों, निकाल के देखो. एन टू टू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, 7 2 14 और 2 कितना हो गया? 16 ना. तो दिस इज योर, दीज आर कितने हो गए? ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 14 इलेक्ट्रॉन, 15 16. ठीक है, तो एन टू टू नेगेटिव इज ऑल्सो पैरा मैग्नेटिक. ठीक है, यू कैन इजली फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर व्हेन इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14, और सेकंड वन इज जो भी मैं करा रही हूँ, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, क्या होगा? लिखिए बच्चों, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, है ना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, दिस इज इंपॉर्टेंट, देन पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz. क्लियर है अनुष्का? हाँ जी, ये लर्न हो गई ना आप लोगों को? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मैम, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 ना? या When electrons greater than 14, तो आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करोगे. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 14, यू हैव टू फॉलो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, हो जाएगा? चलिए निकाले. ओके, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव एंड O2 प्लस. प्लीज फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर for O2, O2 negative, O2 plus, O2 negative, O2 2 negative. And you have to tell me the stability order. You have to tell me the order of bond order. You have to tell me the order of bond strength. ठीक है? You have to tell me order of bond length. Also, tell me the magnetic behavior, which one is paramagnetic or diamagnetic. ठीक है, I'll give you these 5 questions. ठीक है, okay, solve कीजिए बच्चों. Stability, bond order, bond strength, bond length, magnetic behavior. Question समझ में आ गया ना? क्या बताना आप लोगों को, ये पता चल गया ना बेटा? हाँ चलो करो फिर. O2 है 16 इलेक्ट्रॉन, फिल करो. I'll give you 2 minutes बच्चों, 2 मिनट हैं आप लोगों के पास. It's okay मिश्बा. Okay, tell me bond order of O2. Om, tell me the bond order of O2. नम्रता सिंह 2. यस मैम, इट्स 2. या इट्स 2 बच्चों.
एंड ओ टू नेगेटिव, ऐसे फिल करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। बेटा ओ टू का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो डायरेक्ट याद रखो कि ओ टू में पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ओके, ओ टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, बोन ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 या 1.5 बच्चे, 1.5 एंड ओ टू 2 नेगेटिव, एक और फिल कर दो मैम, 2.5 या 1.0, 1.0। आप लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, बोन ऑर्डर इज हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए बेटा, जैसे मैम फटाफट सोल्व कर रही है ना वैसे तुम भी करोगे, बस 2 मिनट दे दो मेरे को, एक बार ये सोल्व कर लो फिर उसके बाद मैं ट्रिक से सोल्व करवाऊंगी ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, ओ टू प्लस के लिए 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बोन ऑर्डर बताओ, 2.5। वेरी गुड, 2.5, शाबाश, ठीक है। ओके, टेल मी फर्स्ट, आप मुझे बताइए मैग्नेटिक बिहेवियर, ओ टू इज पैरा और डाया, ओ टू इज पैरा, ओ टू नेगेटिव इज डाया, नहीं वो भी तो पैरा होगा ना, ओ टू नेगेटिव ये होगा ना बेटा, ओ टू नेगेटिव भी तो पैरा होगा ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन पी वाई, जब आपने निकाला होगा, देखो एक बार अपनी नोटबुक में देखो सारे, ओ टू 2 नेगेटिव में क्या होगा, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट्स डायमैग्नेटिक, एंड ओ टू प्लस, ओ टू प्लस, ओ टू प्लस पैरा, वेरी गुड, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px, यस इट्स पैरा, ठीक है। ओके, कैन यू टेल मी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, Which one is more stable? बच्चो, higher the bond order, more will be the bond stability. Very good. ठीक है, higher the bond order, higher will be the stability. तो O2 plus has higher stability, then O2. Very good. Then O2 negative, or then O2. O2 negative. Okay. Can you compare the bond order? Yes, ma'am. ये तो हमारे सामने ही है, same order आ जाएगा ये, है ना? Yes, ma'am. And order of bone strength, ma'am, this is also the same, because you told me in last class, bone order is directly proportional to bone strength and inversely proportional to bone length. So O2 plus, O2, O2 negative, O2 2 negative. Bone length, isse ma'am, opposite to bone strength. Yeah, opposite to bone strength. O2 plus ki sabse kam ho jayegi, aur O2 2 negative ki sabse zyada. मैग्नेटिक बिहेवियर वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है, हो जाएगा बच्चों, यस मैम, यस मैम। अब बारी आती है, ये इसको छोड़ो, अब आती है ट्रिक टू फाइंड आउट द बोन ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ स्पीसीज। नाउ आई विल टेल यू द ट्रिक टू फाइंड आउट द बोन ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। From now onwards, you will be able to solve the questions based upon molecular orbital theory within seconds. ठीक है? कैसे मैम? कैसे मैम? चलो बताती हूँ। देखिए बच्चों, पहले मैं लिखती हूँ, उसके बाद तुम लिखना। यहाँ पे लिखो number of electrons। थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ। हाँ। Number of electrons। ठीक है? यहाँ पे लिखो number of electrons। बीच में लिखो बच्चों 14। 14 बीच में लिखो। आपको क्या करना है, 14 के बाद 14 से 20 तक काउंटिंग लिखनी है बस, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। मूव टू लेफ्ट हैंड साइड, आपको क्या करना है, 8 तक लिखना है रिवर्स काउंटिंग, 13, 12, 11, 10, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 10, 9, 8, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब इसके नीचे मैं लिखूंगी बेटा बॉन्ड ऑर्डर, क्या लिखूंगी बॉन्ड ऑर्डर, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। आपको क्या करना है बच्चों, आपको बस मेरे कहने पे सिर्फ जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल N2, है ना, जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 के अलावा बहुत सारे और होंगे, बट फॉर नाउ वी आर कंसिडरिंग N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, N2 हैज 14 इलेक्ट्रॉन, तो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ध्यान रखना, फॉर दोज जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है, यू हैव टू लर्न दिस ओनली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप 14 से 20 तक जाओगे ना, आपको 0.5 बच्चा कम करते हुए चलना है, कैसे, 2.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, खत्म, ठीक है। सेम आपको यहाँ करना है बच्चे, सेम आपको यहाँ करना है, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0, खत्म। सोल्व आपके इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के सोल्व कर रहे थे, ठीक है, नाउ यू कैन सोल्व यूजिंग दिस ट्रिक। हो सकता है बहुत बच्चों ने पहले ये कर भी रखी हो ट्रिक, नहीं कर रखी है तो आप प्लीज इसको, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 के नीचे बॉन्ड ऑर्डर 3 आना चाहिए क्या? हाँ, 14 के नीचे 3 है बेटा। ओके मैम, ठीक है, यहाँ 0 लिख लो, ठीक है, यानी कि if there is 8 electron then corresponding to 8 electron bond order is 0, for 9 it's bond order 0.5, for 10 electron bond order is 1.0, aise hi chalta jayega, theek hai, 14 ka yaad rakhna hai, fir 2.5 2.0 1.5 1.50, aise chalna hai, theek hai, theek hai। ek example kare, ye dekho abhi jo maine tumhe example karaya hai, suppose ये वाला ले लो O2, अभी यही ले लो जो अभी मैंने कराया, O2 O2 plus O2 negative O2 negative। अब देखो तुम एक मिनट भी नहीं लगाओगे, ये कर दोगे, देखो O2 है 16 इलेक्ट्रॉन and for 16 इलेक्ट्रॉन 14 का मैम 3 होता है, 2.5 2, यानी कि डायरेक्ट टू, ठीक है, इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8 2 16 minus 1 15, मैम 14 का 3 होता है, 0.5 कम कर दो 2.5, मैम 17 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1.5, इसका 18 का कितना हो जाएगा 1.0, लो खत्म। तुम्हें कुछ नहीं करना, पेपर में ये लिख लेना रफ शीट में, बट मैम बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाँ वो अभी बता रही हूँ, ठीक है मैम, व्हाट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके लिए भी ट्रिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताओगे, लिखो, अगर आप लोगों के ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, odd number of electrons हैं, या इसके अलावा 10 electrons है किसी species में, या 16 electron है, then it is paramagnetic, paramagnetic। अगर आप लोगों के even number of electron है, except 10 and 16 electron, then it will become आपका क्या बन जाएगा वो, diamagnetic। खत्म, करके देखो इसको, 16 is paramagnetic, यानी कि O2 is paramagnetic, O2 plus is para, O2 negative is para, O2 2 negative is 18, खत्म हो जाएगा। तो ये दो important trick हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है while solving the questions of molecular orbital theory, ठीक है? Yes ma'am। Okay, question करें। Your first question is, beta mute yourself beta, Om please mute yourself, yes, consider the following species CN plus, this is CN negative, NO and CN, which one of these will have the highest bond order? CN minus। कितनी जल्दी कर लिया ना हर्षदा ने, ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है, CN नेगेटिव, बस मतलब देखते ही आंसर आ जाए। सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, इसमें कितने होंगे 8 और 7 15 6 7 minus 1, कितने हो जाएंगे 12, इसमें देखो 6 plus 7 plus 1 कितना हो गया 14, 7 plus 6 13, और मैम 14 का तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा,
ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टू आप कीजिए सारे. बेटा डोंट राइट इन चैट बॉक्स और आपको अनम्यूट भी नहीं करना, ओनली यू हैंड रेज करना बस. यस रेहाना हो गया क्या आपका? बच्चों यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर. ओके रेहाना एंड हर्षदा हैज रेज देयर हैंड. ओके ठीक है बाकी बच्चे. Which one of the following pair of species have the same bone order? बताओ भाई कौन से पेयर का बोन ऑर्डर बिल्कुल सेम है. नहीं 2017 का क्वेश्चन है ये. मैम ऑप्शन बी. ये देखो मैंने कहा था आंसर बताओ है. ठीक है ऑप्शन बी आ रहा है क्या? यस 14 इलेक्ट्रॉन है. 8 और 6 कितना हुआ? 14 हुआ. तो 14 के करस्पॉन्डिंग बोन ऑर्डर 3. ओके डू दीज 3 क्वेश्चन बच्चों. फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक. सेकेंड वन इज द पेयर दैट हैज द सेम बोन ऑर्डर. एंड लास्ट वन इज चलो पहले दो कर लो फिर लास्ट वाला कर लेना. कुछ नहीं करना आपको, बस वो ट्रिक यूज करनी है जो मैंने बताई है आपको. कुछ भी नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. ओके मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी ओ टू नेगेटिव. यस मैम इट्स ऑप्शन डी. 8 to the 16 और 17 ठीक है odd number of electrons तो ये हो जाएगा paramagnetic. very good next question बस 5 सेकेंड लो और बताओ. हाँ बच्चों रेहाना इज सेइंग बी बी. ओके एनओ नेगेटिव एंड सी एन नेगेटिव वो तो है. नेक्स्ट ऑप्शन बी. ओके ओके देखते हैं ये कितना हुआ आपका. ये हुआ आपका 6 + 7 + 1 = 14. इसका तो 3 होगा. इसका कितना होगा? 8 और 7 + 1. बेटा इसका तो वो हुआ ना 2 हुआ ना बोन ऑर्डर एनओ नेगेटिव का. व्हाई आर यू सेइंग बी ऑप्शन? ध्यान से देखो. What about A option? बच्चों क्या हो गया? C योग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्या गलती हो गई? मैम इट्स ऑप्शन ए. क्या हो रहा था? क्या हो गया था बेटा? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो. प्लस माइनस में गलती कर दी. ठीक है कोई बात नहीं. 8 + 7 कितना हो गया आपका? 15 - 1 = 14. तो बोथ are having 14 electron. ठीक है तो bond order will be 3. ठीक है चलिए. In which of the following ionization process the bond energy increase? Bond energy increase होने का क्या मतलब है? Stability will increase and the magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic. यानी कि you have to tell me in which of the following the magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic. मतलब पहले paramagnetic था ठीक है. It was first to paramagnetic. ठीक है after ionization it will become diamagnetic or bond energy also increases. ठीक है तो tell me which one is correct. ध्यान से करना. मैं लिख देती हूँ अलग से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. First one is O2 to O2 plus. Ma'am it's option C. अच्छा बड़ी जल्दी कर लिया है तुम लोगों ने तो. Yes ma'am. O2 to O2 plus C2 to C2 plus NO2 NO plus N2 to N2 plus. D option कौन बोल रहा था भाई? ओके रेहाना बी सोनी बेटा डी नहीं आएगा. डी कैसे आएगा? देखो ना यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे कितने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन है ना. तो ये तो डाया से पैरा हो रहा है ना बेटा. तो दिस इज नॉट करेक्ट. ये देखो 15 से 14 पैरा से डाया भी हो रहा है
और बोन ऑर्डर देखो 2.5 से 3 भी हो रहा है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर जल्दी यस सी. ओके डू दिस क्वेश्चन. आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज HE2, दिस इज C2, Li2 एंड दिस इज O2. नीट 2020 का क्वेश्चन है. अरे क्या बात है. Yes, helium. Sigma 1s2, Sigma*1s2. Bonding, number of electron in bonding or anti bonding. Equal है ना? Number of electron in bonding is equal to number of anti electron in anti bonding. तो bond order is zero because bond order is half of Nb minus Na. ठीक है? Yes. ये वाला question करो. Order of dissociation energy. मैम ऑप्शन ए. एक बार सारे बच्चे मेरे को चैट बॉक्स में बताओ क्या ऑप्शन ए करेक्ट होगा. बिकॉज बोन ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन डिसोसिएशन एनर्जी. टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास जितना ज्यादा बोन स्ट्रोंग होगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए. यस मेरे बच्चों वेरी गुड वेरी गुड शाबाश प्राउड ऑफ यू बच्चों. 14 इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन. ठीक है तो बोन ऑर्डर इज 3, बोन ऑर्डर इज 2.5 इन केस ऑफ N2+. तो हायर द बोन ऑर्डर हायर विल बी द स्टेबिलिटी, हायर विल बी द बोन डिसोसिएशन एनर्जी और यू कैन आल्सो से हायर विल बी द बोन स्ट्रेंथ. ठीक है. ओके डू दिस क्वेश्चन. आई थिंक लास्ट होगा. हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग डाया एटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बोन्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक. अरे क्या बात है. बाकी बच्चे भी मुझे रिप्लाई करेंगे. नम्रता सिंह डी ऑप्शन इज करेक्ट मैम. मंतजा इज ऑल्सो सिंह डी. आर यू ऑल कॉन्फिडेंट ना. ऐसा तो नहीं है ना एक दूसरे का देख के तो आंसर नहीं दे रहे हो ना. विश्वाई सिंह डी, हर्षदाई सिंह डी, बाकी ओम, देविशा, गायत्री, जेनिफर, किरण, बच्चों योर आंसर, योर आंसर. यस डी. अभी मैंने बताया था बिकॉज इन C2 इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाइड π2px और π2py. π*, π2px, π2py. ठीक है तो इट मींस दीज टू बोन्स आर पाई बोन्स. ठीक है. ओके एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. O2 मैम. O2 वेरी ऑप्शन डी. π*2px और π*2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इट्स पैरामैग्नेटिक. ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2. ओ ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है क्या इसका एक. हाँ गया. दिस इज O2 नेगेटिव एंड O2 प्लस एंड O2 नेगेटिव. क्या आ रहा है इसका भी डी आ रहा है क्या. मैं लिख दूं क्या, ऑप्शन लिखूं क्या अलग से अगर कंफ्यूजन हो रही है तो देखने में. लास्ट वाला ऑप्शन ये है बेटा. स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है तुम लोगों को. मैम ऑप्शन डी इज राइट. वेरी गुड मैम ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये तो मैंने अभी कराया option... ठीक है तो दीज ऑल आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड यू कैन सी ना कि आप विद इन फ्यू सेकंड्स आप कैसे इजिली सोल्व कर पा रहे थे इन क्वेश्चंस को. ठीक है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं. देयर आर सम क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क में है दे सकते हो आप लोग. ठीक है और इसके अलावा आप लोगों को अपने NCERT के क्वेश्चंस करने हैं और जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उसके क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है बच्चों. ओके ओके लेट्स समराइज द होल लेक्चर इन सम पॉइंट्स. ठीक है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने वो आप प्लीज समराइज कर दो बेटा. कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ओके कॉन्सेप्ट ऑफ MOT. ठीक है आई हैव डिस्कस व्हाई वी स्टडी MOT. यस और सेलिएंट फीचर्स ऑफ MOT. या फीचर्स ऑफ MOT. वेरी गुड. ट्रिक्स टू फाइंड
paramagnetic nature. Yeah, magnetic behavior. Magnetic behavior. Very good. And bond order. Okay, bond order. Stability of molecule. To find out bond order. Very good. Stability of molecule. ये वाली सारी चीजें हमने सीख ली. और बच्चे ये भी ध्यान रखना, बोन ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन डिसोसिएशन एनर्जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोन लेंथ. ठीक है. मैग्नेटिक बिहेवियर में अगर आपके ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक इंक्लूडिंग 10 एंड 16, या इंक्लूडिंग 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे. एंड इवन में एक्सेप्ट 10 एंड 16 वाले में डाया. बोन ऑर्डर भी यू कैन इजीली डिटरमाइन, है ना, कुछ नहीं करना, बस प्रोटीन का ध्यान रखना है. 3 देन क्या होगा, 2.5 टू 1.5, है ना, 1.50 ऐसा करके. ठीक है. एंड एक और चीज, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है जी. यस मैम. ओके ओके. तो फाइनली वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. बच्चे देयर आर सम टॉपिक्स जो मैंने की कवर नहीं कराए हैं, लाइक जो आपको खुद से पढ़ने हैं. ठीक है, क्योंकि यू नो, ठीक है, एज यू ऑल नो वी हैव लिमिटेड टाइम. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो सारे कवर करवा दिए जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोगों के नीट एग्जाम में या कोई और एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देते हैं तो. ठीक है, फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है बच्चे. कोई डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. ठीक है, मिश्वा वेट बेटा. ठीक है, फॉर्मल चार्ज वाला हो गया. और आप लोगों का एक रेजोनेंस वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक, ये आप लोगों को पढ़ना है बस. ठीक है, फॉर्मल चार्ज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, बाकी मैंने आप लोगों को करा दिया है. ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है. और बच्चे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी आप लोगों का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. अब बच्चे आप लोगों का प्री वर्क क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग इसको 3 to 4 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को. तो आपको मोल पढ़ के आना है. ठीक है, ठीक है, आपको मोल पढ़ के आना है, क्योंकि मैं आप लोगों को वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं कराऊंगी, वो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, ठीक है, वो आप इजिली कर सकते हैं ऑन देयर ओन. ठीक है, आपको मोल से मैं यहाँ पे स्टार्ट कराऊंगी कि मोल क्या है. ठीक है, और उसके हम क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, तो ये आप करके आइएगा. और नेक्स्ट संडे को आप लोगों का टेस्ट है. यस मैम. ठीक है, टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग. पीरियडिक क्लासिफिकेशन नहीं आएगा? नहीं, वो इस वाले संडे में नहीं आएगा, उससे जो नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा 21st को, उसमें फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियडिक दोनों ही आएंगे. ओके मैम. ठीक है बच्चों, अटेंडेंस आप लोगों की लग गई है. ठीक है, सो डोंट वरी बच्चों. ठीक है, तो ये आप मेरे प्लीज पढ़ के आइएगा. एंड जितना आप टेस्ट के लिए बहुत अच्छा, जितना आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप लोगों का टेस्ट अच्छा होगा एंड उतना ही कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्टअप होगा. तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर बच्चों. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. ना ना नहीं मंतशा, there will be no test tomorrow. ठीक है, okay बच्चों, bye everyone.